नमस्कार, गुडलक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। अंक हर एक के जीवन में अलग महत्व रखते हैं। अंक स्थिति को बिगाड़ भी सकते हैं और बेहतर भी बना सकते हैं। हम मूल्यांक के मुताबिक भविष्य जानेंगे और साथ ही चर्चा भी करेंगे कि कैसे लाभ उठाएं नए साल पर। सबसे पहले स्वागत करते हैं अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुथार जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुडलक टिप्स के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो, यही सुख। तो चलिए, और इस बात पर चर्चा भी करेंगे जो आपकी समस्याओं के समाधान भी बताएंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मूल्यांक के मुताबिक आपका भविष्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके मूल्यांक के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य। और शुरुआत करेंगे मूल्यांक एक से, सूर्य का अंक है 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए। कार्यस्थल पर आपको साथियों से सहयोग प्राप्त होगा। ऋण कर्ज से निपटने हेतु मार्ग प्रशस्त होगा। पार्टनर जीवन साथी के साथ थोड़ा प्यार से पेश आए, वाद विवाद से बचिएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूल्यांक एक के लिए, सफेद जो रंग है दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। मूल्यांक दो, चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक है। आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे, परेशानियां भी खत्म हो रही है। इस अंक वालों को कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करना चाहिए और कोई बड़ा फैसला भी नहीं लेना चाहिए। अगर लेना हो उम्र में बड़े वह भी मेल, उनसे सलाह जरूर करें। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूल्यांक दो के लिए, पीला जो रंग रहता है दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपकी। मूल्यांक तीन, अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक है हमारी सत्ता और सरकार का अंक है। आज आपको अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है, धन लाभ होगा, दुश्मन पराजित होंगे, ऑफिस में मेहनत अधिक रहेगी, नौकरी में आपके प्रमोशन के उन्नति के पूरे योग है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूल्यांक तीन के लिए, लाल जो रंग रहता है, रंगों से तात्पर्य अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं या इंटीरियर करवा रहे हैं वहां इन रंगों का प्रयोग करें तो मूल्यांक तीन के लिए लाल रंग सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बिल्कुल, तो आज अंक के आधार पर जानेंगे कि आपका भविष्य और 2020 आपके लिए कैसा रहेगा और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले आपसे यही जान लेते हैं गुरु जी की 2020 की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किसको लाभ मिलेगा इस बार की अगर बात करते हैं तो। चांदनी जी, 2020 चूंकि हम अंकों के सानिध्य अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, 2020 दो और दो ने मिलके चार के अंक का निर्माण किया है, तो दो और चार यह दो ऐसे अंक रहेंगे इस वर्ष जिन्हें सर्वश्रेष्ठ वर्ष रहेगा, इन्हें बहुत लाभ रहेगा। तो जिनके जन्म की तारीख 2, 11, 20 और 29, 4, 13, 22 और 31 है उन्हें बहुत लाभ रहेगा। सेकेंड जो प्रायोरिटी के नंबर रहेंगे वह अंक एक और अंक 6, इनको भी विशेष रूप से लाभ रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें तो 2020 ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लाभ मिलेगा और कैसे लाभ मिले ये छोटी छोटी बातें जो हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर नौकरी वाले लोगों के लिए बात करें तो उन्हें किस तरीके से इस बार लाभ मिलेगा 2020 की अगर बात करते हैं तो। नौकरी चूंकि जॉब जो रहती है वो सदैव चंद्रमा प्रधान मानी जाती है, जिस व्यक्ति का चंद्रमा जितना उच्च का रहता है वह नौकरी में जॉब के प्रोफाइल में उतना ही सक्सेसफुल और या यूं कहें अपने बॉस का प्यारा रहता है। तो मूल्यांक 1, 3, 5, 7 ये जो अंक वाले रहते हैं इन्हें नौकरी में भरपूर सफलता मिलेगी, या यूं कहें जो काफ़ी समय से प्रयासरत है, या तो अच्छे प्रोफाइल के लिए प्रयासरत है या जॉब है ही नहीं और जॉब के लिए प्रयासरत है, उन्हें इस वर्ष 2020 में वह भी 19 मार्च से पहले पहले एक बड़ी सफलता मिल जाए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ नौकरी की बहुत दिक्कत होती है, वो बहुत समय से कोशिश भी करते हैं लेकिन नौकरी नहीं लग पाती है। इस बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे लेकिन चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 4, 5, 6 मूल्यांक की। जी दर्शकों, मूल्यांक 4 राहु का पितरों का अंक इस वर्ष का अंक है। सकारात्मक सोचे और काम करने का तरीका बदल ले, बस फिर देखिए सब ठीक ठाक ही होगा। नौकरी में पदोन्नति तो नहीं लेकिन ट्रांसफर स्थान परिवर्तन के पूरे योग बन रहे जिनमें सभी अपनों का सहयोग रहेगा।
शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक चार के लिए, ब्राउन जो कलर है भूरा रंग बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। मूलांक पांच बुध का भगवान श्री गणेश का अंक है, इस अंक वालों के लिए आज का दिन शुभ फल देने वाला रहेगा, आपके सितारों की स्थिति भी लाभ दिलवाने वाली रहेगी, दिन सामान्य रहेगा, जो उम्र में बड़े हैं उनसे पूरा सहयोग मिलेगा, सुखद घटनाएं होंगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक पांच के लिए, हरा जो रंग रहता है बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक छह शुक्र का देवी कृपा का नारी शक्ति का अंक है, इन अंक वालों को आज स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए, आज इस अंक वालों को अचानक होने वाले फायदे से थोड़ा सा लाभ रहेगा, रिश्तेदारों और दोस्तों से पूरा सहयोग मिलेगा, खुशी मिल सकती है, आपको किसी न किसी बात की चिंता सता सकती है, यात्राएं कम करें, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, और नौकरी के प्रोफाइल में अगर आप हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो भगवान श्री गणेश का नाम जरूर। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक छह के लिए, काला जो रंग रहता है दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें तो अंक के हिसाब से आज का दिन कैसा रहने वाला है ये तो आपको साथ ही साथ हम बता ही रहे हैं, शुभ रंग आपके लिए कौन सा रहेगा ये भी आपको बता रहे हैं, और यहाँ पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि 2020 किसके लिए कैसा रहने वाला है, चाहे हम नौकरी की बात करें या जमीन की बात करें या प्रमोशन की बात करें, तो हर एक चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं हम सभी के लिए। अगर अब यहाँ पर बात करें तो जमीन का जो काम लोग करते हैं उनके लिए किस तरीके से फायदेमंद रहेगा 2020 की अगर बात करें तो। चांदनी जी, जमीन के संदर्भ में अगर बात की जाए, जमीन क्योंकि लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जमीन बेचते हैं, अपना घर बनाने की इच्छा शक्ति सभी के पास रहती है, यह जो कार्य रहता है ये नौ के अंक मंगल का रहता है, और वर्ष 2020 चार का राहु का मंगल के साथ संयोग बहुत अच्छा रहता है, जो काफी समय से प्रॉपर्टी में जो डाउनफॉल है वह खत्म होगा, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जो कार्य कर रहे हैं उन्हें बहुत लाभ रहेगा, जिन व्यक्ति विशेष के घर नहीं बन रहे या वो प्रयासरत है काफ़ी लंबे समय से, बजरंग बली की पूजा जरूर करें, तो इस वर्ष हर व्यक्ति विशेष अगर सच्चे मन से बजरंग बली की पूजा करे तो 2020 में अपना घर जरूर बना पाएगा। बिल्कुल, तो अगर आप जमीन का काम करते हैं और आपको कैसे फायदा मिलेगा तो इसके लिए बस आपको क्या करना है, हनुमान जी का चालीसा करना है और इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। और हमारे साथ हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं और संतोष बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं और ये अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं, जिनका जन्मतिथि की अगर बात करें तो 10/5/1995 है और समय की अगर बात करें तो 7:55 शाम का समय है, बताइए संतोष क्या सवाल है आपका। जी मैं इसकी शादी और नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ, ये रेलवे की तैयारी कर रहा है तो क्या इसमें ये लगेगा और इसकी शादी कब तक होगी। जी जी संतोष जी, 10 मई 1995 दस कांक एक और जीरो एक कांक, एक कांक सूर्य का राजयोग कारक माना जाता है, और ये जो वर्ष है 2020 जैसा हमने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा, एक के अंक वालों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, राजयोग कारक अंक है, वर्ष भी आपके अनुकूल है, तो इस वर्ष सरकारी सेवा जो रेलवे की सेवा रहती है उसमें लाभ के भी पूरे योग है। रही बात विवाह की, इस वर्ष के अंत में 19 अक्टूबर 2020 से 28 अप्रैल 2021 के जो बीच का समय रहेगा वह विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बात करते हैं इनके भाग्यांक जो पांच बुध का है वह थोड़ा सा बाधित है, किसी भी गणेश मंदिर में बुधवार वाले दिन शाम के समय दूब जो हरी घास रहती है वह और गुड़ या घर से ही लेके जाएं और मंदिर में चढ़ा के आएं तो आपके विवाह संबंधित जो बाधा है थोड़ा खत्म होगी, अच्छे घर में शादी होगी। बिल्कुल, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बस आपको ध्यान रखना है, जो भी समस्याएं आ रही हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। और हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जो हैं करण हमारे साथ जुड़ गए हैं हनुमानगढ़ से। करण हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है और इनकी जो जन्मतिथि है वो 24/9/1997 है, समय जो है वो 4:35 है शाम का। करण बताइए सवाल क्या है आपका। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं इसमें पास होऊंगा। करण जी, 24 सितंबर 1997 2 और 4 जैसा हमने बताया वर्ष भी 2020 दो और चार का कॉम्बिनेशन है, आपकी तारीख 2 और 4, भाग्यांक आपका 6, यह जो कॉम्बिनेशन है राजयोग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। चलित का वर्ष भी 2020 चूंकि आप पितृ दोष वाले हैं, साल पितरों का है, उम्र में
जो लोग दुनिया में नहीं रहे, बड़े पूर्वज जो आपके, उनकी जो पुण्यतिथि या जन्मतिथि रहती है, उस दिन गौ को दान, गाय को गुड़ खिलाना या सफ़ेद रंग का कोई दान अगर आप अपने पितरों के लिए करते हैं तो लाभ की स्थिति रहेगी, पितृदोष खत्म होगा। सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में आपको निश्चित रूप से 2020 और 21 का जो टाइम पीरियड है इसमें सफलता मिल जाएगी। तो करण, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये छोटा सा उपाय करना है और जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ जान सकते हैं। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि 2020 किसके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा, किसको किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा, और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, सवाल भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब अगर आपसे जानना ये चाहेंगे कि अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सरकारी नौकरी के लिए काफी समय से कोशिश करते हैं लेकिन सफलता नहीं पा पाते हैं, वो तो किस तरीके से उन्हें कोशिश करना चाहिए और किस तरीके से वो सफलता पा सकते हैं? चांदनी जी, अगर सरकारी नौकरी के संदर्भ में अगर बात की जाए, दर्शकों, हर व्यक्ति विशेष की एक इच्छा शक्ति रहती है कि वो सरकारी नौकरी लग जाए, जीवन भर उसे कोई निकालने वाला न रहे, आराम से ठाठ बाठ से अपनी नौकरी करे, सरकारी दामाद जिसे कहा भी जाता है। सरकारी नौकरी राजयोग सदैव मूलांक 1 और मूलांक 6, यह जो शुक्र और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन रहता है, जिसका शुक्र और सूर्य बहुत अच्छा रहता है, वह व्यक्ति सरकारी नौकरी में सफल रहता है। लेकिन इच्छा शक्ति तो सभी की रहती है, जो आदि शक्ति रहती है, नारी शक्ति रहती है, देवी जो रहती है, देवी पूजा से हम सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके परिवार की जो कुल देवी हो उनकी पूजा जरूर करें, घर की जो नारी शक्ति रहती है, महिला शक्ति रहती है, उनका मान सम्मान जरूर कीजिएगा, अन्यथा महिलाओं का सम्मान न करने से आपका शुक्र खराब हो सकता है, बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं और सरकारी नौकरी जो लगने वाली भी होगी वह भी आपकी खराब हो सकती है, हो सकता है ना लगे। तो देखिए, इन बातों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी नौकरी के लिए बहुत समय से कोशिश करते हैं लेकिन सफलता नहीं पा पाते हैं क्योंकि समस्याएं बहुत सारी हो जाती हैं, या फिर ये कहें कि मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर आप ये छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप इनको करते हैं तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और अगर बात करें मुकदमे की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुकदमा उन पर चलता है लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाता, वो काफ़ी परेशान भी उसकी वजह से होते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए जिससे उनकी जो मुकदमे हैं वो ख़त्म हो जाए पूरी तरीके से? दर्शकों, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी, कहते हैं ना काला कोर्ट और सफ़ेद कोर्ट से पाला न पड़े तो ही अच्छा है। मुकदमेबाजी वकालत का जो फील्ड रहता है वो काला रंग अंक 8 शनि का प्रतीक माना जाता है और चलित का वर्ष 2020 4 के अंक वालों के लिए 8 का अंक बहुत नुकसानदायक रहेगा, तो इस वर्ष मुकदमेबाजी से जितना हो सके बच के रहिए। अगर फिर भी कोई मुकदमेबाजी चल रही है या किसी कारणवश हो गई है तो माँ बगलामुखी की शरण में जाएं, शुक्रवार वाले दिन किसी विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में माँ बगलामुखी का अनुष्ठान या तो अपने घर में करवाएं या किसी पवित्र स्थान में जरूर करवाएं, तो उससे मुकदमेबाजी से भी 2020 कैलेंडर वर्ष में आपको सफलता मिलेगी। और कोई विद्वान व्यक्ति का सानिध्य नहीं भी मिल पा रहा है तो आप गणेश अथर्वशीष के पाठ जो रहते हैं प्रतिदिन करना घर पे ही शुरू कर दीजिए, भगवान श्री गणेश को इत्र लगाइए, उससे भी आपको 2020 कैलेंडर वर्ष में मुकदमों में सफलता मिलेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया है यहाँ पर कि बगलामुखी का अगर पाठ करते हैं तो शत्रुओं का भी नाश होता है यहाँ पर, तो शत्रुओं का नाश तो होता ही है और जो समस्याएं होती हैं वो भी यहाँ पर दूर हो जाती है। और हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, अमरचंद हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। अमरचंद, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं और अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। जन्मतिथि जो है वो 17 अक्टूबर 1992 है और समय जो है 7:15 है। अमरचंद, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? बच्चे के लिए जानना चाहते हैं, अभी 16 दिसंबर को बैंक का एग्जाम दिया है जी और थर्ड ग्रेड के टीचर की तैयारी कर रहा है, अब इसमें सरकारी नौकरी कब लगेगी या इस बैंक में लगेगी या शिक्षक बनेगा क्या होगा जी? अमरचंद जी, आपके पुत्र का मूलांक 3 भाग्यांक 8, यह जो गुरु और शनि का जो कॉम्बिनेशन रहता है सरकारी नौकरी के बहुत अच्छा माना जाता है। 2020 में 3 के अंक वालों को सफलता भी अच्छी मिल जाएगी। और बात करें जो एग्ज़ाम दिया 16 तारीख, वह भी 1 और 6, 7 का अंक आपके पुत्र के लिए बहुत लाभदायक और भाग्यशाली रहेगा। विष्णु मंदिर, जो भगवान विष्णु का, कृष्ण का, भगवान राम का मंदिर हो, अगर उसमें प्रतिदिन शाम को दर्शन किए जाएं, ठाकुर जी के दर्शन किए जाएं, तो शुक्र उतना उच्च का रहेगा और सरकारी नौकरी में
लाभ भी रहेगा, तो उससे आपके पुत्र का जो शुक्र का दोष है वह खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करते हैं लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिल पाती है। तो अभी देखिए यहाँ पर एक छोटा सा उपाय उन्होंने बताया है, अगर इस उपाय को करते हैं तो जो बाधाएं आ रही हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। और हमारे साथ हमारे अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, संजय हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए हैं, और इनकी जो जन्मतिथि है वो 4 जनवरी 1987 है, समय जो है वो 3:45 है। संजय बताइए क्या जानना चाहते हैं आप, क्या सवाल है आपका? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा संजय जी। गुरु जी मेरा प्रश्न है कि 2020 में मुझे जॉब मिल जाएगी क्या, और सेकंड प्रश्न है मैरिज के लिए रिश्ता फिक्स होगा या नहीं? संजय जी 4 जनवरी 1987, 4 का अंक राहु का, वर्ष भी 2020, 4 का अंक, और आपका जो भाग्यांक है वह 3 का अंक, गुरु का 4 और 3 का जो कॉम्बिनेशन रहता है ये अपने आप में थोड़ा विध्वंसकारी रहता है। 4 का अंक कहता मैं बड़ा, 3 का अंक बोलता मैं तो गुरु हूँ, मैं तो प्रथम पूज्य हूँ, मैं तो उससे भी बड़ा। तो ये जो 4 और 3 के कॉम्बिनेशन का जो विध्वंस है उस वजह से पिछले वर्षों में भी आपको सफलता नहीं मिल पाई, अन्यथा भाग्यांक 3 2019 में आपके काम हो जाने चाहिए थे। 2020 में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है विष्णु सहस्त्र नाम के प्रतिदिन पाठ करें और पीले रंग का चंदन का जो तिलक रहता है वह ललाट पे लगाइए, साबत हल्दी का एक टुकड़ा अपनी पॉकेट में हमेशा रखिए, गुरुवार को दिन रख लीजिए और फिर हमेशा रखे रखिए, तो 2020 में नौकरी और विवाह दोनों ही काम आपके मूलांक 4 की वजह से 19 जुलाई से पहले पहले हो जाएंगे। तो संजय आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप नौकरी की बात कर रहे हैं तो 2020 में आपकी नौकरी लग जाएगी, बस ये छोटे छोटे उपाय जो है वो आपको करना है। और आगे भी लगातार हम चर्चा करेंगे कि वाकई अगर जो होटल में नौकरी करते हैं व्यापार करते हैं उनको कैसे 2020 में लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद गुडलक टिप्स में आप सभी का स्वागत है, और लगातार हम बात भी कर रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं मूलांक के अनुसार अगर बात करें तो 2020 कैसा रहने वाला है। और अब हम यहां पर बात करेंगे मूलांक 7, 8 और 9 कैसा रहने वाला है इनका 2020, और आज का दिन कैसा रहने वाला है ये भी जानते हैं। जी दर्शकों, मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक है, मन बहुत प्रसन्न रहेगा, आर्थिक परेशानियां हल होंगी,
नई जिम्मेदारी भी आपको प्राप्त होगी। आपके जीवन साथी को आपसे आज लाभ मिलेगा, या यूं कहे नए साल का गिफ्ट मिलेगा। आज लव लाइफ भी काफी संतुष्टि और तालमेल भरी रहेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक सात के लिए, काला जो रंग रहता है दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक आठ, शनि का अंक है, आज आप अपनी योजना जीवन साथी से बिल्कुल भी शेयर न करें, गुप्त रखें। जो भी करें अकेले करें, कोई काम या उसकी योजना अब आपकी मजबूरी जैसी भी बन सकती है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक आठ के लिए, गुलाबी जो रंग रहता है दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आप। मूलांक नौ, मंगल का अंक है, मंगलमुखी सदा सुखी, आपको यह भी लग सकता है कि काम हो ही नहीं सकते। एक बार आप जब काम शुरू करेंगे या काम शुरू हो जाएगा तो आपके सारे संकोच दूर हो जाएंगे, अपने काम के अंदर पूर्ण सफलता आपको मिल जाएगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक नौ के लिए, केसरिया जो रंग रहता है, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आप। बिल्कुल, तो देखिए आज सात, आठ और नौ जो मूलांक हैं वो किसके लिए कैसा रहने वाला है और पूरा दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये तो गुरुजी ने बता दिया। और लगातार हम चर्चा भी कर रही हैं, चाहे नौकरी की बात हो, जमीन की बात हो, मुकदमे की बात हो, या कोई व्यापारी है अगर होटल में अपना व्यापार करता है तो किस तरीके से उसको लाभ मिलेगा, लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस नंबर पर कॉल करके आप अपनी जो समस्याएं हैं उसके समाधान के बारे में जान सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर और जो सवाल है मेरा वो भी हम आपसे जान लेते हैं कि अगर जो होटल व्यापारी होते हैं उनको किस तरीके से 2020 में लाभ मिलेगा इस बार। दर्शकों, होटल से संबंधित अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, होटल का जो पूरा कारोबार रहता है वह अंक पांच बुध की कृपा से रहता है, और वर्ष 2020 चार का अंक राहु बुध के साथ अच्छे संयोग नहीं बनाता, होटल इंडस्ट्री इस वर्ष लॉस में जा सकती है। तो इसलिए उधारी का जो लेन देन है वह सोच समझ के कीजिएगा। पैसों का बड़ा अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो वह भी सोच समझ कर लीजिएगा। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो वही काम अपनी होटल इंडस्ट्री में कीजिएगा, खर्चा कम से कम करें। क्योंकि बुध का कारक माना जाता है, अपने होटल के अंदर जो एंट्रेंस रहती है वहाँ भगवान श्री गणेश की मूर्ति जरूर स्थापित कीजिएगा, और प्रतिदिन लड्डू का भोग और पीले रंग के पुष्पों की माला जरूर गणेश भगवान को चढ़ाइए, तो उससे होटल इंडस्ट्री में जो डाउनफॉल 2020 में है वह कम से कम रहे और आपके खर्चे भी कम से कम रहे, हानि न हो के उतना लाभ कमाएं कि आपकी होटल चल जाए, अन्यथा बड़ा नुकसान होटल इंडस्ट्री में इस वर्ष हो सकता है। तो देखिए होटल व्यापारी को किस तरीके से किन बातों का ध्यान रखना है, इस बात का हमने जिक्र कर लिया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे गुरुजी, जो 2019 से लगातार अपनी जॉब की बात कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, लगातार वो कोशिश भी कर रहे हैं, तो उन्हें किस तरीके से एक प्रयास करना चाहिए जिससे उन्हें 2020 में सफलता मिल सके ट्रांसफर के लिए, जो चाहे सरकारी सेवा में है चाहे प्राइवेट सेवा के अंदर है। अगर ट्रांसफर स्थान परिवर्तन के योग की बात करें तो 2020 चार का अंक राहु सदैव स्थान परिवर्तन का कारक माना जाता है, तो 19 मार्च के बाद काफ़ी लोगों को ये देखने को मिलेगा कि 19 मार्च से पहले जहां उनके योग बन ही नहीं रहे थे, 19 मार्च के बाद अपने आप उनके ट्रांसफ़र हो रहे हैं। हाँ, ट्रांसफ़र में सदैव देवी का अनुष्ठान, देवी की पूजा, देवी दर्शन बहुत लाभ देता है। तो जो व्यक्ति विशेष अपना स्थान परिवर्तन चाहते हैं, जगह अपनी होम टाउन जाना चाहते हैं, कहीं भी, उन्हें देवी की पूजा जरूर करनी चाहिए। देवी का जो श्रृंगार का सामान होता है वह शुक्रवार वाले दिन किसी भी देवी मंदिर में चढ़ाइए, तो स्थान परिवर्तन 19 मार्च के बाद निश्चित रूप से हो जाएगा। और हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और बताइए आपकी जन्मतिथि क्या है, जन्मतिथि समय क्या है आपको, और सवाल क्या है आपका। 21 जुलाई 1975, जन्म सुबह का 2 बजे AM जी। तो क्या जानना चाहते हैं आप? बिजनेस में मुनाफा नहीं हो पा रहा, परेशान है, परेशानी है और परिवार से नहीं बनती। जी जी, 3 और 6 के अंक वाले हैं, परिवार से नहीं बनती, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही। आपका जो 3 और 6 शुक्र और गुरु, गुरु माँ सरस्वती का माना जाता है विद्या का, तो 6 का अंक शुक्र लक्ष्मी का माना जाता है, और जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती, और लक्ष्मी होती है तो सरस्वती नहीं होती। ये जो कॉम्बिनेशन है ये अपने आप में बहुत उठा पटक का माना जाता है। आप प्रतिदिन
गणेश अथर्वशीष के पाठ करें और घर का जो मंदिर है वहाँ लकड़ी के भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित कीजिए और घर पे ही भगवान श्री गणेश को इत्र लगाइए। पितरों का कोई पुराना फोटो ब्लैक एंड वाइट वह मड़वा के घर का जो आंगन है वहाँ पे लगाइए और पितरों को प्रतिदिन नमस्कार कीजिए। व्यापारिक स्थल भी, जो भी आपका व्यापारिक स्थल है, वहाँ पे भी पितरों की फोटो स्थापित कीजिए। तो 2020 में पितरों के आशीर्वाद से आपका यह काम बन जाएगा, परिवार में भी जो मन मुटाव है वह भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए, पितरों के आशीर्वाद से आपका जो काम है, जिन काम में बाधाएं आ रही हैं, वो काम आपका पूरा हो जाएगा। तो इन छोटी बातों का ध्यान रखना है। और हमारे साथ हमारे अगली कॉलर जो हैं वो गुरजीत हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुरजीत, अगर बात करें तो क्या सवाल है आपका और क्या जानना चाहती हैं आप? तो इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या कुछ करना चाहिए 2020 में। अगर बात करें यहाँ पर, तो जो विवाह की बात अगर करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके विवाह में बाधा आती है, उन बाधाओं को कैसे दूर करना चाहिए? दर्शकों, जिनका काफी लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा या अच्छा रिश्ता नहीं बैठ पा रहा, 2020 उनको जरूर चिंता मुक्त कर देगा, क्योंकि चंद्रमा और राहु का जब कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर भी या नंबरिंग में भी बैठता है तो अपने आप विवाह के योग बन जाते हैं। तो 19 जुलाई के बाद जिन व्यक्ति विशेष के विवाह काफी लंबे समय से अटके हुए हैं, उन्हें इस वर्ष का जो उत्तरार्ध रहता है, क्योंकि राहु सदैव उत्तरार्ध का मालिक रहता है, तो 19 जुलाई के बाद आपको आपका मनचाहा रिश्ता मिल जाएगा और विवाह के भी प्रबल योग बन जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात इतनी है, जब भी विवाह के बंधन में बंधने जाएं, भगवान गणेश की पूजा अर्चना जरूर शुरू कर दें, अन्यथा कहीं कहीं गड़बड़ हो जाए, किसी के बहकाव में आने से रिश्ता टूट भी सकता है, क्योंकि राहु उठा पटक का भी मालिक होता है। बिल्कुल। और चलिए, हमारे साथ हमारी अगली कॉलर जो है रेखा हमारे साथ ब्यावर से जुड़ गई है। रेखा, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका? मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है। जन्म तारीख उनकी? 4 नवंबर 1994। जी, 1994 का जन्म, 1994, जो वर्ष का अंक बनता है वह 5 बुध का। बात करें कैरियर की, तो बुध के प्रधान व्यक्ति सदैव लॉ का जो फील्ड है, कानून का, होटल मैनेजमेंट का, एमबीए का जो फील्ड रहता है, मार्केटिंग का जो फील्ड रहता है, उसमें बहुत सफल रहते हैं। विवाह के संदर्भ में अगर बात की जाए, 5 के अंक वाले हैं, इस वर्ष उन्हें शांति से वर्ष निकालना चाहिए। 2021 वर्ष भी 5 का और आप भी 5 वाले, तो और भी बड़ी सफलता विवाह के अंदर मिल जाएगी 2021 के अंदर। तो देखिए, किस तरीके से ये छोटी छोटी बातें जो हैं हम सबके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और चलिए, अब जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप्स क्या है। जी दर्शकों, गुड लक टिप्स, क्योंकि बात कर रहे हैं वर्ष 2020 के, 2020 जो 4 राहु का अंक का वर्ष है, इस वर्ष में यात्राओं से बहुत ज़्यादा लाभ रहेगा, इसलिए जितनी ज़्यादा यात्राएं आप कर सकते हैं अपने व्यापार के लिए जरूर करें। प्रतिदिन भगवान गणेश चालीसा का पाठ करें, भगवान गणेश की पूजा अर्चना जरूर करें। काला रंग जो होता है वो यात्राओं में कम से कम पहनना है, अन्यथा बने बने काम बिगड़ सकते हैं। तो आज का गुड लक टिप्स तो आप जान गए कि क्या है और किस तरीके से आज आपका पूरा दिन रहने वाला है, 2020 आपका कैसा रहने वाला है। तो आपकी समस्याओं का समाधान भी यहाँ पर हो गया। आज गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो आज की गुड लक टिप्स में बस इतना ही। नमस्कार।